नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आज ईडी के सामने पेश होंगे। बता दें कि बीते 25 अक्टूबर को ईडी ने वैभव गहलोत को समन जारी कर कोर्ट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया था और इसी कड़ी में आज राजस्थान जयपुर स्थित ईडी के दफ्तर में वैभव गहलोत जाएंगे। मिली जानकारी के मुताबिक एफईएमए केस में उनसे होने वाली इस पूछताछ के दौरान उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी के फेमा एफईएमए के तहत दर्ज मामले में वैभव को नोटिस भेजकर कोर्ट ईडी के सामने हाजिर होने के लिए कहा था। जानकारी के मुताबिक वैभव गहलोत ने अपने बचाव में कहा है, 12 साल पहले भी मुझे ईडी ने समन भेजा था, तब भी हमने उनके साथ सहयोग किया था, उनके समन का जवाब दिया था। इस बार भी हमें अंदेशा था कि चुनाव के दौरान हमें फिर बुलाया जा सकता है और इस बार हम उनके समन का जवाब देंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे ईडी की पूछताछ का हिस्सा बनेंगे। वैभव ने कहा, मैं भागूंगा नहीं, ना ही डरने वाला हूं, हर सवाल का जवाब दूंगा। वहीं ईडी के सूत्रों ने बताया कि राजस्थान टूरिज्म से जुड़े ट्राइंस हॉस्टल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा वर्धा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड नाम के दो समूहों पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ज्ञात सोर्स से अधिक राशि जुटाने के आरोप लगे थे। वैभव गहलोत की कंपनी पर शेल कंपनियों के जरिए 100 करोड़ रुपए की मॉरिशस भेजने का आरोप है। जून में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी में इसकी शिकायत की थी। उन्होंने वैभव गहलोत पर होटल फेयर माउंट में मॉरिशस की शेल कंपनी की ओर से करीब 100 करोड़ के निवेश के आरोप लगाए हैं। वैभव गहलोत की कंपनी के खिलाफ साल 2012 में भी बीजेपी ने आरोप लगाए थे। बाद में साल 2015 और 16 में ईडी ने जांच शुरू की थी। वैभव के बिजनेस पार्टनर रतन कांत शर्मा ने मार्च 2007 में ट्राइटन होटल्स एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराई थी। साल 2007 अप्रैल में इस कंपनी के 100 रुपए कीमत वाले 2,27,000 शेयर रतन और उसकी पत्नी जूही के नाम थे। इसके अलावा 14,500 शेयर भी जूही के नाम थे। जुलाई 2011 में ट्राइटन होटल्स के 25,000 शेयर मॉरिशस की कंपनी शिवनार होल्डिंग्स को 29,900 प्रीमियम पर दिए गए। इसके बाद ईडी ने कंपनी और इसके निर्देशकों और प्रमोटरों के ठिकानों पर छापेमारी की थी और इसी कड़ी में आज वैभव गहलोत ईडी के सामने पेश होंगे। बता दें कि वैभव गहलोत के पिता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे साजिश बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ साजिश की है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।